हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप यू ऑल आर फाइन बट टुडे आई एम नॉट फाइन आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट सुबह से सोई हुई थी पर फिर सोचा कि सो के कुछ नहीं होने वाला है उठना तो पड़ेगा तो उठ के मैंने सोचा चलो पहले पेंटिंग से ही स्टार्ट करती हूँ क्योंकि कोई और काम करूँगी तो उसमें मुझे अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि पेंटिंग करना मुझे बहुत पसंद है तो मैंने सोचा कि पहले पेंटिंग ही कर लेती हूँ उस दिन मैंने जो आपको पेंटिंग दिखाई थी उसके मेरे कॉर्नर्स रह गए थे तो आज कंप्लीट कर लेती हूँ फिर कल मैं इसको फ्रेमिंग के लिए देके आऊंगी आऊँगी तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कोई भी पहले पेंसिल से मार्किंग नहीं की है थोड़ा सा आलस दिखा दिया मैंने इस पेंटिंग को करने के लिए तो जो मेरे कॉर्नर से थोड़े से अनइवन जैसे बन गए हैं मार्किंग करने के बाद भी ना थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है क्योंकि जब तक अब मैं इसका स्टेंसिल काट के नहीं बनाऊंगी ना इस डिज़ाइन का मैंने स्टेंसिल काट लूँगी फिर बनाऊंगी तो सारे इवन बनेंगे बट मैंने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया था आ, मतलब पेंट से जो ब्रश से जो पेंट था वो मैंने डायरेक्टली अप्लाई करके बना दिया क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं था पहले पेंसिल से मार्किंग करो उसके बाद फिर बनाओ फिर पेंसिल का ना हल्का सा निशान सा भी रह जाता है वहाँ पर तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं फ्रेंड्स ये पेंटिंग मेरी कंप्लीट होने जा रही है मैं फ्रेमिंग के बाद भी आपको दिखाऊंगी कि इसका फाइनल लुक क्या आता है पर बहुत सुंदर दिखाई देती है ये हमारा कुमाऊँ का जो ट्रेडिशनल फोक आर्ट है वो है इसको हम एपड़ के नाम से भी जानते हैं बहुत ही शुभ माना जाता है इस प्रकार की पेंटिंग्स को घर में लगाना तो फ्रेंड्स जैसे कि मेरा ये बनने ही वाला है तो आप लोग देख सकते हैं कॉर्नर्स कंप्लीट होने के बाद पेंटिंग कितनी सुंदर दिखाई देगी ये देखिए फ्रेंड्स लास्ट कॉर्नर बना रही हूँ लास्ट कॉर्नर के बाद एक बार मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में कि पेंटिंग मेरी पूरी पेंटिंग कैसी दिख रही है बने रहिए मेरे वीडियो में मेरे चैनल को लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए थैंक यू फ्रेंड्स